सो गाइज, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन स्ट्रीम एड सेटअप करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, जिससे हमारा जो इन स्ट्रीम एड सेटअप है वो 24 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाए। आप लोग जो है इन स्ट्रीम एड सेटअप करने वक्त बहुत सारे गलतियों को करते हो, जिससे क्या होता है कि ये जो आपका सेटअप मिला हुआ रहता है ना, ये आपका डीमोनेटाइज हो जाता है, ये अप्रूव नहीं होता है, या फिर ये रिव्यू में जाकर पड़ा रहता है काफी लंबे समय तक। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हम अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल पे 5000 फॉलोअर्स के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, उसके साथ साथ 2 महीने के अंदर अगर हम 60K मिनट्स, ठीक है, 60K मिनट्स के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, और एक और होता है लिव इन एलिजिबल कंट्री और पॉलिसी इशू अगर मेरे पेज पे नहीं रहता है, तो सिंपली हमारे पेज पे सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भैया, सेटअप करने से पहले आप लोग के मन में क्या आता है, अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज है या फिर मोनेटाइज नहीं है, तो भैया जैसे ही आप में सेटअप का बटन आता है ना, आप लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। तो भैया ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आप लोग को सेटअप में भेजने से पहले किस प्रकार से सही तरीके से फॉर्म भरना है ये मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू में भेजने से पहले आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, जल्दी अप्रूव हो जाए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने इसको सेटअप कर दिया और आपका पेज रिव्यू में चला गया है, ठीक है, और रिव्यू में जाने के बाद वो काफी लंबे समय तक रिव्यू में पड़ा हुआ है, उससे हमको कैसे निकलना है और अपने पेज को कैसे अप्रूव करवाना है, टोटल डिटेल से आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए यहां से अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको डिटेल में समझाता हूं। यहां से आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। पहले समझ लेते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है, उसके बाद इसके टोटल डिटेल को समझेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहां से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक खोलने के बाद यहां पे देखिए प्रोफाइल वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको अपना पेज को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपना पेज को लॉगिन कीजिएगा तो यहां से क्या करना है, पेज वाले 3 लाइंस पे क्लिक करना है और आपको फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है। जैसे ही फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जाइएगा तो यहां से देख सकते हैं कि रीच कितना ज्यादा है और पोस्ट एंगेजमेंट और न्यू लाइक सभी चीज यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सिंपली हमको मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए इन स्ट्रीम एड्स के सामने एक सेटअप का बटन देखने को मिल रहा होगा। भैया जिनका जिनका भी पॉलिसी इशू है, मेरे वीडियोस पढ़ा है, जाइए वो वीडियो देखिए, आपको जो बताया है मैंने उस वीडियो में वो वाला बात करो, आपका इन स्ट्रीम एड सेटअप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से चलिए हमको इन स्ट्रीम एड सेटअप करना है, तो सिंपली सेटअप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटअप के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यू कैन नाउ स्टार्ट अर्निंग मनी विद इन स्ट्रीम एड्स, से कह रहा है कि अब आप अर्निंग मनी यानी कि अब आप पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं इन स्ट्रीम एड से, ठीक है। अर्न रिवेन्यू मोर इजी, यहां से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से देखिए अगर आपका ऑलरेडी कोई भी स्टार मोनेटाइजेशन, एड ऑन रील, कोई भी मोनेटाइजेशन से आपने अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर रखा होगा तो यहां से देखिए आपके सामने आपका पे आउट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका पे आउट देखने को मिल रहा होगा, अगर आपने ऑलरेडी पहले से पे आउट बना रखा होगा तो, लेकिन अगर आपने पहले से पे आउट नहीं बना रखा होगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले क्या बोल रहा है, लीगल फर्स्ट नेम, तो यहां से आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम के बाद यहां पे आपको लीगल सर नेम खोज रहा है, ठीक है। तो सर नेम में जैसे मेरा नाम है पवन कुमार, तो ठीक है, तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया पवन और लास्ट नेम हो गया कुमार, ठीक है। और यहां से आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है जो कि आपके आधार कार्ड में रहे, ठीक है, आधार कार्ड वाला ही डेट ऑफ बर्थ डालना है। और यहां से आपको कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर, नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कीजिएगा तो यहां से आपके सामने देखिए इंटर बिजनेस इन्फो का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहां से बिजनेस इन्फो सिलेक्ट करने में बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो भैया मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूं, मैं सेल्फ हेल्प के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं काम करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा तभी पैसे आएंगे। तो यहां से आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। यहां से आप लोग बहुत ज्यादा कोई कॉर्पोरेशन सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कोई बिजनेस सिलेक्ट कर ले हैं, तो भैया उनका अप्रूव नहीं होगा, उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनको आगे चल के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां से सिंपली बिजनेस टाइप में सिंपली इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां से फिर से आपको अपना फर्स्ट नेम जो रहेगा वो ऑटोमेटिक यहां से फिल हो जाएगा और यहां से अगर आपका मिडिल नेम रहेगा तो मिडिल नेम डालिएगा, अन्यथा मिडिल नेम नहीं रहेगा तो सिंपली मिडिल नेम स्किप कर दीजिएगा। यहां से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना और यहां से
आपको अपना प्राइमरी एड्रेस डाल लेना है। प्राइमरी एड्रेस में आपको अपना आधार कार्ड उठाना है। आधार कार्ड उठाने के बाद जिस प्रकार से एकदम एक एक वर्ड एक एक अक्षर जिस प्रकार से कैपिटल लेटर हिंदी में नहीं लिखना है, कोई भी चीज को हिंदी में नहीं लिखना है। अगर हिंदी में लिख दीजिएगा तो आपका अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अंग्रेजी में लिखना है, और जिस प्रकार से आपके आधार कार्ड पे एड्रेस छपा हुआ रहेगा सेम टू सेम उसी प्रकार से यहां पर आपको फुलफिल कर देना है, ठीक है। फुलफिल करने के बाद यहां से आपके सामने सिटी एंड टाउन देखने को मिल जाएगा, तो यहां से बिल्कुल सही सही फिल कीजिएगा। सिटी टाउन भरने के बाद यहां से आपको क्या करना है कि कंट्री एंड रिलीजन में आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेट का नाम डाल देना है। तो सिंपली चलिए मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार फिल कर लेता हूं, ठीक है। यहां से आपको अपना पोस्ट कोड डालना है तो यहां से आप अपना पिन कोड डाल लीजिएगा। पिन कोड को ही पोस्ट कोड कहा जाता है। जिस प्रकार से आपका एड्रेस होता है उसी प्रकार से हर जगह का एक पोस्ट कोड होता है, हर जगह का एक पिन कोड होता है, ठीक है। तो यहां से सिंपली आप अपना पिन कोड डाल लीजिएगा। यहां से आपके सामने आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, तो यहां से आप अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा, और यहां से आपके सामने एक मेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपके फेसबुक में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यहां से मेल आईडी डालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर का क्या मतलब होता है? पैन नंबर। तो सिंपली भैया यहां से आपको अपना पैन नंबर फुलफिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहां से अपना पैन नंबर भर लेता हूं। पैन नंबर भरने के बाद टोटल डिटेल को भरने के बाद यहां से क्या कह रहा है, VST रजिस्ट्रेशन नंबर। तो भैया काफी लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े कॉर्पोरेटर होते हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, GST नंबर होता है, ठीक है। तो यहां से ये ऑप्शनल है, तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ मत भरिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर GST नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है। अगर आपके पास GST नंबर है या फिर आपके पापा वापा का कोई बड़ा बिजनेस है या फिर आप लखपतियां हैं करोड़पतियां हैं तो यहां से GST नंबर डाल दीजिएगा। हम लोग गरीब आदमी है तो हम लोग के पास GST नंबर नहीं है, तो सिंपली ऑप्शनल है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहां से सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां से क्या कह रहा है, लिंक योर पेपल अकाउंट या फिर आपको मैनुअली लिंक द बैंक पे क्लिक कर देना है। तो भैया अगर आपके पास पेपल अकाउंट है तो यहां से आप अपने पेपल अकाउंट को ऐड कर लीजिएगा। अगर आप पेपल अकाउंट नहीं है तो आपको सिंपली मैनुअली लिंक द बैंक पे क्लिक कर लेना है। मैनुअली लिंक द बैंक पे क्लिक करने के बाद बैंक कंट्री को आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कंट्री से रहे, ये मत अगर आप पाकिस्तान से मेरे वीडियोज को देख रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। आप जिस भी कंट्री से, अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं इंडिया से हूं तो सिंपली मैं यहां से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहां से क्या करना है, आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, ठीक है। तो देखिए भैया पैन कार्ड और अकाउंट नंबर, ठीक है। पैन कार्ड जिसके नाम पे अकाउंट, आप जिसके नाम पे पे आउट बना रहे हैं, जिसका टोटल डिटेल डाले हैं उसी का पैन कार्ड डाल सकते हैं। लेकिन बात रहा अकाउंट नंबर का, तो अकाउंट नंबर आप किसी का भी डाल सकते हैं, पापा मम्मी भैया भाभी किन्हीं का भी आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, बहन कोई भी हो किन्हीं का भी आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। लेकिन आपको पैन कार्ड उन्हीं का डालना है जिनके नाम पर आप पूरा पे आउट सेटअप बनाइएगा, वरना आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपके सामने अकाउंट होल्डर नेम देखने को मिल जाएगा। तो यहां से जिनका अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, जिनका अकाउंट डाल रहे हैं उनका पासबुक उठाइएगा, और जिस प्रकार से अकाउंट होल्डर नेम लिखा रहेगा सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से यहां पर आपको अकाउंट होल्डर नेम फुलफिल कर देना है। अकाउंट होल्डर नेम फुलफिल करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बैंक का स्विफ्ट कोड, ठीक है, जो कि आपको पता नहीं होता। तो भैया बैंक के स्विफ्ट कोड में स्विफ्ट कोड ही डालना है। आप लोग बहुत ज्यादा गलती क्या करते हो कि IFSC कोड डाल देते हो, ठीक है। तो भैया आपको स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा, तो स्विफ्ट कोड के लिए आपको अपना मेन ब्रांच का नाम, ठीक है, मेन ब्रांच का नाम यहां पे जाना है। और यहां पे जैसे कि मेरा SBI में अकाउंट है और मेरा पटना मेन ब्रांच है, ठीक है। तो मैं सर्च मारूंगा SBI, ठीक है, पटना स्विफ्ट कोड, मेन ब्रांच पटना अपने जो है भी लिख के सर्च मारूंगा तो देख सकते हैं कि ये जो मेरा यहाँ पे आ चुका है ये बैंक का स्विफ्ट कोड आ चुका है, ठीक है। तो आपका जो भी बैंक रहे उसका मेन ब्रांच का नाम, या फिर आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, या फिर आप अपना बैंक जाइएगा, यहाँ पर गलती कीजिएगा आपका पेमेंट नहीं आएगा। आप लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हैं और स्विफ्ट कोड के जगह आप लोग क्या कर रहे हैं, IFSC कोड डाल रहे हैं, ठीक है। भैया अगर इंडिया लेवल पे ट्रांजेक्शन होगा तो आपसे IFSC कोड मांगा जाएगा, लेकिन ये जो पैसा है वो विदेश से आता है, ये अमेरिका से आता है, ठीक है। तो यहां पर आपको अपना स्विफ्ट कोड लगाना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपको स्विफ्ट कोड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो या फिर आप अपना मेन ब्रांच का नाम गूगल पे सर्च मार के आप अपना स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, या फिर आप बैंक जाइएगा, बैंक जाने के बाद बोलिएगा कि मैं यूट्यूब चलाता हूं और उससे अपना एडसेंस को लिंक करके रखता हूं जिसमें मेरा जो है स्विफ्ट कोड का जरूरत है, आप हमको स्विफ्ट कोड दीजिए, तब वो स्विफ्ट कोड दे देगा, ठीक है। आपको वो बोल भी सकता है कि मेरे बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो बोलिएगा कि जिस बैंक से आपका मेन ब्रांच का लिंक है, जिस बैंक से
आपका पैसा आता है वो वाला आप अपने मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड दे दीजिएगा, ठीक है। और वहां से स्विफ्ट कोड लेने के बाद आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड फुलफिल कर लेना और यहाँ से अकाउंट नंबर को डाल देना है। जैसे ही अकाउंट नंबर पे डाल दिएगा तो यहाँ से लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाए। तो भैया यहाँ से अब आपको यूएस जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन इसको आपको अच्छे से फुलफिल करना है। तो इसको आपको अच्छे से कैसे फुलफिल करना है उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और ये वाला थंबनेल है वीडियो के सेक्शन में जाइए और थोड़ा सा नीचे स्लाइड कीजिए और ये वाला देखिए वीडियो जाए, ये वाला वीडियो जाए कि अगर ये वाला फॉर्म नहीं भरोगे तो रोना पड़ेगा। और इस वाले फॉर्म को बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप जो कि मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया ये वाला फॉर्म को जाकर आप लोग फुलफिल कर लीजिएगा या फिर यहां से ऐड टैक्स लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन भैया आज नहीं तो कल आपको वो फॉर्म भरना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जैसे ही ऐड टैक्स लेटर पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से क्या कर रहा है योर एप्लीकेशन बीइंग रिव्यूड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चला गया है। तो चलिए अब यहां से देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भैया, यहां पर आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या क्या गलती नहीं करना है कि आप जैसे ही रिव्यू में भेजना है, ठीक है, रिव्यू में भेजने से पहले आपको देखिए कौन कौन बातों का ध्यान रखना। अगर आपके पेज पे कोई भी कॉपी पेस्ट वाला वीडियोज है, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला वीडियोज है वो सिंपली उसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। अगर आपने अपने पेज पे किसी दूसरे व्यक्ति का वीडियोज उठाकर डाला है तो सिंपली उसको डिलीट कर दीजिएगा वरना वो आपका रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपके पेज पे कोई भी एक ऐसा वीडियोज पड़ा है जो कि फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट करता हो, ठीक है, इसको वॉयलेट करता हो तो सिंपली आप उस वीडियोज को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और रिव्यू में भेजने से पहले कम से कम आपका पेज या फिर प्रोफाइल पे 3 लाइव वीडियोज पड़ा होना चाहिए। अगर आपका 3 लाइव वीडियोज रहेगा तो सिंपली वो अप्रूव होने में ज्यादा समय नहीं लेगा, ठीक है। अब रिव्यू में भेजने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने इसको रिव्यू में भेज दिया है अपने फेसबुक पेज को, ठीक है। तो रिव्यू में भेजने के बाद सिंपली आपको ओरिजिनल वीडियोज को अपलोड करना है, ठीक है। ओरिजिनल वीडियोज को आपको कम से कम 2 से 3 ओरिजिनल वीडियो को अपलोड कर देना विद ओरिजिनल ऑडियो के साथ आपको 2 से 3 वीडियो को अपलोड कर लेना है, ठीक है। और यहां से क्या करना है आपको 1 से 2 बार लाइव आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आपका 1 से 2 बार लाइव आइएगा आपका 48 घंटा से लेकर, ठीक है, 72 घंटा के बीच आपका फेसबुक पेज का जो मोनेटाइजेशन है ये आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आपका पेज ऑलरेडी रिव्यू में गया है और वो 72 घंटा मतलब 2-3 दिन हो गया है लेकिन अभी तक से वो रिव्यू में पड़ा हुआ है तो उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए जिससे वो जल्दी अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो उस अवस्था में आपको रिव्यू में अगर आपका पेज चला गया है और उस पर 3-4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं फिर भी उसमें कोई काम फेसबुक नहीं किया है तो अब आपको क्या करना है कि 2 वीडियोस एक दिन में अपलोड करना है, ठीक है। एक आप मॉर्निंग के टाइम कर सकते हो, एक आपको इवनिंग के टाइम करना है विद ओरिजिनल वीडियो ऑडियो के साथ, ठीक है। और आपको क्या करना है कि 3 लाइव वीडियोस आना है, ठीक है, 3 लाइव वीडियोस आना है और मिनिमम 5 मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका मिनिमम, और मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। आपको 3 लाइव वीडियोस एक एक दिन मतलब 3 दिन लगातार लाइव वीडियोस आना है और यहां से आपको 5 दिन और इंतजार करना है ये आपका अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी काफी सारे पेज जो है इन रिव्यू में चल रहे हैं, ठीक है, तो ये घबराइएगा नहीं, ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के साथ प्रॉब्लम है कि अभी बहुत सारे पेज जो है वो रिव्यू में चल रहे हैं, ठीक है। मत समझिएगा कि खाली मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप वेट कीजिए, अभी सारे पेज रिव्यू में चल रहे हैं और मे बी 5 से 7 दिनों में ये सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो रिव्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा जो कि मैंने जो आपको बताया है कि ओरिजिनल वीडियो को अपलोड करना और यहां से आपको लाइव आ जाना है 2 से 3 बार। मेरे बताए गए इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पेज 100% मोनेटाइज होगा और बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी अगले दमदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।